धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शख्सियत गुजरी हैं इतिहास के पन्नों में, जिन पर जितना काम किया जाना चाहिए शायद आज तक उतना नहीं हो पाया। नाम है उनका शेर अली खान आफरीदी। आज से ठीक 149 साल पहले 11 फरवरी 1872 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने वायसराय को कत्ल कर दिया था। जी हाँ, जंगे आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा कत्ल था जो शेर अली खान आफरीदी ने किया था, अंजाम दिया था। लेकिन कभी भी उनको वह हैसियत इतिहास के पन्नों में नहीं मिल पाई। आज तो जो सरकार बैठी है वो तो एक रंग एक रूप का इतिहास बनाने में लगी हुई है, तो वो तो शायद ही इनको कोई मुकाम दे पाए। लेकिन एक प्रोफेसर हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, मेरठ से प्रॉपर बिलोंग करते हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया उर्दू तालीम घर के वो रजिस्ट्रार हैं, और इसके अलावा आए दिन वो अपने अखबार में उनके कॉलम वगैरह भी छपते रहते हैं। उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है, गुमनाम मुजाहिद आज़ादी शेर अली खान आफरीदी। हम उनसे पहले भी 2 साल पहले के करीब इस मुद्दे पर बातचीत कर चुके हैं, तब वो किताब लिख रहे थे। लेकिन अब वो किताब सामने आ चुकी है, कितने पन्नों की किताब है, क्या क्या वाक्यात उन्होंने उसमें दर्ज किए हैं, और क्यों उनके नोटिस में आए, और कैसे उनके नोटिस में आए शेर अली खान आफरीदी, इन तमाम पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझेंगे कि सरकार 50वां वर्ष मना रही है। जी अभी से शुरू कर दिया 49वें साल में शताब्दी समारोह मना रही है, 99वें साल में शुरू कर दिया, तो क्या शेर अली खान आफरीदी जिनकी शहादत को 149 बरस आज पूरे हो रहे हैं और 150वें साल में हम दाखिल हो रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम करेगी या नहीं, ये एक राजनीतिक सवाल होगा। इस पर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर शाहिद सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी जी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी किताब को लेके पहले बात करना चाहता हूँ, कितने पन्नों की किताब है, कितने रुपए की किताब है, किस पब्लिकेशन से है, और कितनी जबान में आपने इस किताब को जो है लोगों के सामने रखा है। देखिए 100 किताब है, इसमें 128 पेज हैं और 150 रुपए की है जी, और ये हमने इसे पब्लिश की है ऑल इंडिया तालीम घर ने, और इसके अंदर 9 चैप्टर हैं, जिसके अंदर आपको अंडमान की तारीख भी मिल जाएगी, अंडमान की ज्योग्राफी मिल जाएगी, और शेर अली खां के बारे में मैंने कोशिश की है कि आपको कहीं झांकना ना पड़े। क्या ये किताब अमेज़न से खरीदी जा सकती है सर? नहीं नहीं, ये तो मैंने बाद में देखेंगे, फिल वक्त तो ये आपको बुक शॉप्स पर मिल सकती है। ठीक है, कितनी जबान में है ये फिलहाल अभी? नहीं, फिर वक्त तो ये उर्दू में है, बाकी इसका इंग्लिश का और इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन अनकरीब मंजर आम पर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं किताब को लेके। तो आपने बताया कि 9 चैप्टर हैं इस किताब के अंदर, जिसमें आप सेलुलर जेल के बारे में जान सकते हैं और तमाम चीज़ों के बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन किताब का उनवान जैसा आपने लिया है कि गुमनाम मुजाहिद आज़ादी जो हैं शेर अली खान आफरीदी, आप उनको गुमनाम क्यों कह रहे हैं? ठीक है, गुमनाम इसलिए हैं के शाहजो नादिरी कोई इनका नाम जानता हो जी शेर अली खान, यहाँ तक के आप अगर आप अंडमान जाएंगे तो वहां पर भी आम आदमी इनके नाम से वाकिफ नहीं है जी, और माउंट होप टाउन पर जो है इनका माउंट हैजेट से नीचे जो है होप टाउन है, जहां इन्होंने वायसराय का कत्ल किया था, वहां पर एक पत्थर लगा हुआ है जी। वो भी इनके कोई अजीज होते थे वायसराय के, वो गए उन्होंने वो लगवाया था, बाकी इनके नाम से वहां कोई गली नहीं है, कोई चौराहा नहीं है, इनके नाम से तमाम लोग नाबलद हैं। आपको क्या लगता है इनको गुमराम रखने में अंग्रेजों की ज्यादा भूमिका रही है या हमारी सरकारों की ज्यादा भूमिका रही है? नहीं, हकीकत तो ये है कि ब्रिटिश ने हमेशा उस वाक्य को दबाने की कोशिश की है जो उन्हें पशेमान करता हो जी। इसी तरह से अब शेर अली खां का जो वाक्य है 190 साल में इन शेर अली खान से बड़ा जख्म किसी ने नहीं दिया, और उस वक्त दिया उस जब वो 1857 के बाद उभर ही रहे थे, लिहाजा उन्होंने इस पर कोई जोर नहीं दिया, बल्कि इसे पूरी तरह से दबा दिया गया कि जिससे हम जो अगर ये तूल दे दिया जाता इस केस को तो हो सकता था कि उनके अंदर जो है खौफ और हिरास पैदा होता, इसलिए उन्होंने इसमें बेहतराई समझी कि इसे दबा दिया जाए।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने अपने वायसराय के कत्ल को गुपचुप तरीके से दबा दिया, क्योंकि अगर ये खबर फैल जाती तो हो सकता है उनकी सल्तनत, जिसे वो 1857 में 15 बरस पहले ही स्थापित कर पाए थे, वो ज़्यादा दिन ना टिक जाती, बौखलाहट पैदा हो जाती। इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले को दबा दिया और रही सही कसर फिर बाद में हमारे लोगों ने पूरी की, उससे उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ था 8 फरवरी 1872 को और शेर अली खान अफरीदी वहाँ पर क्या कर रहे थे और वायसराय वहाँ पर क्या करने गए थे, अगर आपको तफसील से बता पाएँ तो? नाकाबिल तर्दीद हकीकत यह है कि शेर अली खान ब्रिटिश फौज में घुड़सवार की हैसियत से काम कर रहे थे, जिस तरह से मंगल पांडे थे, और इनका एक पुश्तून जो कबीला है उसमें जो है दुश्मनी जो चलती रहती थी नस्ल दर नस्ल। तो ये रेंजर टेलर के अंडर में जब ये घुड़सवार थे वहां पर पेशावर में, तो इनके आपस में दुश्मनी जो थी खानदान में बढ़ी हुई थी। तो ये जब वो अजीज अक्सर बेशतर वहां जाते थे, ठहरते थे अपने घर पर, तो वहां इनसे किसी दुश्मनी हो गई थी इनके खानदान को, तो इनके खानदान वालों ने इन पर दबाव डाला कि आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। तो इन्होंने ये आए हुए थे पेशावर में, तो इन्होंने आड़ुओं के बाग में खैदर नामी इनका दुश्मन था उसे कत्ल कर दिया जी। अच्छा, इन्हें उम्मीद ये थी कि मैं ब्रिटिश की फौज में घुड़सवार हूं, तो मेरे ऊपर, क्योंकि इन्होंने खुद अपने आंखों से देखा था कि जो भी कातिल होते थे ब्रिटिशर्स अंग्रेज, तो उन्हें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ जो है अलग बर्ताव करती थी, हिंदुस्तानी के साथ अलग सौतेला बर्ताव करती थी। तो अब इनका अंदाजा ये था कि मेरे साथ जो मैंने इनका अच्छा सलूक किया है 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया है मैंने, तो ये मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे। लेकिन इन्हें जो है 2 अप्रैल 1867 को फांसी की सजा हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है यहाँ जो रेंजर टेलर थे, जनरल रेंजर टेलर, तो उन्हें जो है लोगों ने उनसे सिफारिश की, तो कर्नल पोलो इन्होंने जो है उसकी अपील कर दी उस केस की, तो इन्हें जो है साजी की फांसी की सजा के बजाय उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन शेर अली खान फांसी की सजा ज्यादा अपने लिए महबूब समझते थे बनिस्बत काले पानी की। ठीक है, तो जब इन्हें कर्नल पोलक ने फांसी की सजा दी, तो इनका जो ऐसा हो गया कि इन्होंने जैसे हसरतों का खून हो गया, तो इन्होंने भी अदालत में ये कहा कि आपने मेरी नहीं सुनी, तो अब एक वक्त ऐसा आएगा आप और मेरा कबीला और पूरी दुनिया मेरी आवाज सुनेगी, और वो इन्होंने कर दिखाया। तो इसके बाद जब इन्हें काले पानी की सजा हो गई, तो 1867 में इन्हें अंडमान भेज दिया गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो एक अहद कर रखा था कि मैं किसी ब्रिटिशर को मारूंगा, लेकिन जब ये वहां गए, तो उस टाइम जो था असल में आप अंडोमान रॉस आइलैंड पे जो थे, अंडोमान की जो काले पानी की सजा थी वो ओपन जेल थी, कोई भी किसी से मिल सकता था। ये जब वहां पहुंचे तो जाफर अहमद खान सेरी, अहमदुल्ला सादिक पुरी, मौलवी लियाकत अली इलाहाबादी जी, ये तमाम लोग वहां पर मिलते रहते थे। तो ये जब उनके टच में आए, तो इनकी जो जो जाती दुश्मनी कब कौम परस्तियां बदल गई, तो इन्हें भी एहसास नहीं हुआ जी। और इन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया कि कोई इनके ऊपर अंदाजा भी नहीं लगा सका जी। कि इनके दिल में क्या चल रहा है, यहाँ तक के ये बात नहीं करते थे, ईशा की नमाज पढ़ी तो आकर सो गए, कोई अगर कोई इनसे गुफ्तगू कर रहा है तो वो 10 बार इनसे सवाल पुट अप करता था, तो ये जब जवाब देते थे जी, और फुर्सत मिली तो जाके नमाज पढ़ी चट्टानों पर, यहाँ तक मतलब अपना आपको जो है रिजर्व कर लिया था इन्होंने जी। उसके बाद जब जब इनका बर्ताव देखने के बाद इन्हें आजाद एक तरह से छुट्टी कैदी बना दिया इन्हें, कि आप जा तो सकते हैं, वतन से दूर नहीं जा सकते, लेकिन आप घूम सकते हैं। तो इनके ऊपर जो इनकी सरगर्मियों पे ब्रिटिशर्स ने तवज्जो देनी बंद कर दी जी। तो इसके बाद इसी असना में 15 जून 1871 को इन्हें होप टाउन भेज दिया गया जी। जब होप टाउन भेज दिया गया, तो इन्होंने अपने उस 3 साल के दौरान इन्होंने रोजे भी रखे, जो कुछ मिलता था वो मजदूरों को खिला देते, गरीबों को खिला देते यहाँ, और इस तरह से जब उन्होंने उनका एतमाद हासिल कर लिया, तो वहां जब ये होप टाउन पहुंच गए, तो इनके घर से एक लेटर आता है, उसमें अब्दुल्ला पंजाबी जिन्होंने जस्टिस नॉर्मन को पत्र किया था, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस को, तो उसकी खबर छपी हुई थी जी उस खत में, तो इन्हें इस बात का एहसास हुआ, तो इन्होंने भी इनका जो जोशीला वलवला था वो भी मौज मारने लगा कि मैं ही बदला लूं।
इसके बाद ये 8 फरवरी 1872 को वायसराय जब पहुंचते हैं तो इन्होंने सब्जी काटने की छुरी को तेज कर लिया जी। और ये सुबह से शाम तक ये लगे रहे, लेकिन ये इन्हें मौका नहीं मिला कि वहां जाएं। जब ये वायसराय ने पूरा दौरा किया, दौरा करने के बाद उनके साथ 600 लोग शरीक थे जिसमें उनके खानदान के लोग थे। उस टाइम जब उनका ये तकरीबन 4 बजे वो तमाम जो सरकारी दौरा था उससे जब उन्हें फ्री हो गए तो उन्हें ये चाहा कि मैं माउंट हैरियट देखूं जी। तो वो 4 बजे रहते तो उनके जो ओटी बर्नी जो थे सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, उन्होंने मना किया कि ये गैर वक्त हो गया, आप मत जाइए जी। अब बस आप ये समझिए कि मौत उन्हें वहां ले जा रही थी। तो माउंट हैरियट जब पहुंचे तो माउंट हैरियट का जो एक पुरकशिश और एक रोए अफजा जो सीन था वो उस पर फिरा, एक तरह से ये फरीबता हो गए जी। और उन्होंने ये कहा ओटी बर्नी से कि ऐसा सीन तो मैंने जिंदगी भर नहीं देखा जी। उस टाइम ये जब वहां से वापसी हुई माउंट हैरियट से तो शाम के 7 बज चुके थे जी। तो उसी दौरान इन्हें जो है 9 फरवरी को ही फजर के टाइम एक इनके लिए वायसराय की शान में एक वहां पर एग्जीबिशन लगनी थी जी, अबरडीन में जी। तो उसकी वजह से इनके जो डोनाल्ड स्टीवर्ट थे जो वायसराय के वहां के वो थे जी, जेलर, जेलर, जेलर क्या वो जेलर ही टाउन, तो वो वहां से हट गए जी। तो इतनी ही दौर में, इतनी ही देर में उसने शेर अली खान ने फौरन हमला कर दिया जी। और उसे 2 ज़र्ब लगी लेकिन वो हटा नहीं वहां से। उसके बाद उसे अर्जुन नामी कैदी ने उसे पकड़ लिया जी। तो वहां जो है विलियम हंटर थे उन्होंने कसम खाई थी कि इनका नाम मैं आने नहीं दूंगा तारीख के अंदर, ना इनके कबीले का जी, ना इनके गांव का, ना इनका। तो उसपे वो जितने भी ब्रिटिशर्स ने इनके बारे में तारीख लिखी तो आप समझिए किसी में इनका नाम नहीं है। किसी ने वहाबी लिखा, किसी ने एक पठान लिखा, किसी ने एक फैनेटिक लिखा, और यहाँ तक के आजादी के बाद आरसी मजूमदार ने जो किताब लिखी उसमें भी इनका नाम नहीं लिखा। तो जो अंग्रेजों ने जो कोशिश की थी कि इन्हें गुमनाम बनाया जाए तो हमारे लोगों ने भी इन्हें गुमनाम ही बनाए रखा। 8 तारीख को वो घटना हो गई, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया और महज 1 महीना 3 दिन बाद इसको फांसी पे लटका दिया गया। कहाँ पे इनको फांसी दी गई थी जो 11 मार्च को इनको फांसी हुई? नहीं, फांसी तो वाइपर आइलैंड पर हुई थी जी। और आप ये देखिएगा, गौरतलब बात यह है कि 1 दिन में ही फैसला हो गया था वो केस का। अच्छा जी। जो जिस जहाज पर डेड बॉडी रखी हुई थी गैलेक्सो पे, उसी पर उनका स्टीवर्ट डोनाल्ड स्टीवर्ट जो थे उन्होंने एज ए जज के फराइज अंजाम दिए और उन्होंने 1 दिन में फांसी की सजा दे दी। लेकिन इन्होंने जुर्म तो किया लेकिन उन्होंने उनके नजदीक इनका कोई जुर्म नहीं था, क्योंकि हकीकत यह है कि ब्रिटिशर ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था जी। तो इनके नजदीक उनका कोई जुर्म नहीं था। और इसके लिए इन्होंने, आप समझिए कि 9 फरवरी को इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। उसके बाद 16 फरवरी 1872 को कलकत्ता हाई कोर्ट पर तौसीक लगने के लिए भेजा गया इन्हें। तो 20 फरवरी को वो स्कोटिया जहाज से वो पहुंचा दिए। और इस तरह से 11 मार्च को इन्हें फांसी सजा हुई। लेकिन ये आप ये देखिए कि अंग्रेजों का ये वहमो गुमान भी नहीं था कि एक ऐसा भारी भरकम शख्सियत का की शख्सियत को, एक इतना दुबला पतला आदमी इस पे हमलावर हो सकता था। उनका उनका जो है किसी तरह के ये था सोच के हो सकता है कि इनके ऊपर जो हमला क्या हो, ये जो वहाबी है, जो मुजाहिदीन है, जाहिर सी बात है इनकी जहन साजी उन लोगों ने की हो जी। इसके लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। यहाँ तक के उन्होंने एक बहरूपिया को भी इनके पास भेजा जी। और वो बहरूपिया ने उसे ये कहा कि मैं आपके वतन का रहने वाला हूँ, और तमाम दिन में से राज निकालने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और उस पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। यहाँ तक के अच्छा उसके ऊपर एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर है हेलन जी, उन्होंने लिखा है अपने आर्टिकल में कि शेर अली खान ने एक रोज पहले ही दावत की थी मुसलमान कैदियों की और हिंदू कैदियों की। मुसलमानों को उन्होंने केक खिलाया था, हिंदू कैदियों को उन्होंने मिठाई खिलाई थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि ये इस हद तक जा सकते हैं
यानी कि कोई भांप नहीं पाया पहले से कि शेर अली खान के अंदर क्या दिल में क्या इरादे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं, और उनके इरादों से सरकार इतना हिल गई कि इस बड़ी शहादत को उन्होंने छुपा दिया, शेर अली खान की शहादत को उन्होंने छुपा दिया, उन्होंने अपने जो है वायसराय के कत्ल को भी जो है छुपा दिया, लोगों के सामने नहीं आने दिया। क्या इस किताब को लिखते हुए आप शेर अली खान आफरीदी के परिवार तक पहुँचे? वैसे आज मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में है उनका वो इलाका, लेकिन फिर भी क्या आपने कोशिश की? ने कोशिश की, और लेकिन मैं अब ये तो आप हालात इस तरह से हैं, अलबत्ता मैं अंडमान जरूर गया हूँ, मैंने वो जगह देखी, माउंट हैरियट गया मैं, तमाम जगह मकामात देखा मैंने, तो वहां पे भी इनके बारे में इस कदर नहीं असासा मिल सका। तो मैंने काफी कोशिश करने के बाद ये वजूद में आई है मेरी किताब, और मेरी कोशिश ये है कि इसे पढ़ने के बाद किसी हद तक ये गुमनाम ना रह पाएंगे। चलिए, आपकी कोशिश जो है वो रायगा ना जाए, और हम तो चाहते ये हैं कि कोई ऐसा शख्स भी सामने आए जैसे टीपू सुल्तान पे एक सीरियल बना, वैसा ही शेर अली खान अफरीदी की शख्सियत पर एक सीरियल बनना चाहिए, क्योंकि जंगे आज़ादी की पूरी लड़ाई में इतना बड़ा कत्ल, अंग्रेज़ों को इतना बड़ा घाव, इतना बड़ा नुकसान पहुँचाने वाला कोई और मामला नहीं है। यहाँ मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में शेर अली खान अफरीदी आए कैसे? शेर अली खान अफरीदी के बारे में असल में मैंने 150वीं वर्षगांठ जो थी जंग आज़ादी की, उस पर एक मकाला लिखा था और मैं कोशिश करता रहा, लेकिन ये इतनी बड़ी शख्सियत थी कि आप इनके बारे में जितना जाने उतना कम है, लेकिन वो इकट्ठा आप समझिए कि ये जो इंसाइक्लोपीडिया कहलाते हैं अंडमान में, अहम मुस्तफ़ा अली साहब, तो उन्होंने मेरी किताब पर पेश लफ्ज लिखा है, तो वो भी उन्हें भी काफ़ी हैरानगी हुई इस बात की क्या, और इन्होंने इस बात की मुझे मुबारकबाद भी दी कि आपने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि इतना मवाद अब तक मेरी नज़रों के सामने से नहीं गुजरा था। अब उसमें मैंने बहुत कोशिश की है, इकट्ठा हो पाया, ये तो ये है कि कारी ही बता पाएंगे कि मैं अपने मकसद में कहाँ तक कामयाब हुआ। सही कहा आपने कि अब लोग पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे कि आपने जो मेहनत की है वो कितना लोगों तक पहुंच पाई है। हालांकि अभी एक ही जबान में आप कह रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश में भी आ जाएगी, उसके बाद ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी, लेकिन कोशिश यही है आपकी कि ये जो मामला है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हम सरकार से भी अपील करते हैं कि जैसे वो शताब्दी समारोह मनाने की बड़ी माहिर हो चुकी है, वैसे 149 साल पूरा होने के मौके पर 150वें साल में दाखिल हो रही इस शहादत पर शेर अली खान आफरीदी को कुछ ख़ास तरीके से याद करें, लोगों के सामने उनको लेकर जाए, क्योंकि ये तो आपकी जो है इंडिविजुअली कोशिश थी, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है, इनके नाम से रास्ते बना सकती है, जो वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में तमाम एयरपोर्ट रही है, तमाम चीज़ें बनी हुई है, वो भी शायद इनके नाम से रखी जा सकती है। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।